हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो आपके आवाज आ रही है कि बीच में टूट रही है गला ना? चेक करो जरा। करो। हाँ, अब कुछ आई? हेलो हेलो, इसको करो ना, कैसे करना है? सेटिंग गुजर के मुझे पकड़ा देना। हेलो हेलो हेलो, सेटिंग कर रहे हैं उधर। आ गया ना, सेटिंग कर रहे हैं, बाल नहीं बोल नहीं रहे। हेलो, वही पहले वगैरह कर लिया मैं तो, वो तो सेटिंग ही नहीं होती गई। मुझे जो ठहर जो लड़ा चुप तेरा। नाम सर हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी।
अच्छा 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 चलो ठीक है। हाँ ठीक है देखता हूँ। अच्छा बोले ना लेक्चर भी स्टार्ट करो। बोलो। हेलो सलाम वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आप मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। तो चले ठीक है, स्टार्ट करें बाप। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, जे असद मंजूर साहब हैं एग्री इन्फो के, तो उनके तावल से ये पेश की जा रही है। तो ये मशरूम कल्टीवेशन पर है, जो कि बहुत अहम फील्ड है। इसमें मैं बताऊंगा, सबसे पहले अपना थोड़ा सा तारफ कराऊंगा, फिर मैं इसके जो पास या माजी में जो काम है उसके मतलब बताऊंगा, फिर इसकी इम्पोर्टेंस और जो आजकल प्रेजेंट सिचुएशन है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और आखिर हम जो 40 मिनट की होगी उसके बाद 5-10 मिनट का सेशन होगा, जिसमें आप जो भी पार्टिसिपेंट हैं इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, वो कोई भी क्वेश्चन इसके मुतल को तो वो मुझसे ना पूछ सकते हैं। तो मैंने ये सभी बताया, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। जब से मशरूम कल्टीवेशन पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है, किसी न किसी तरह से मेरा इसका तल्लुक रहा है। तो ये पाकिस्तान में पहली दफा 1975 में स्टार्ट हुई थी। मेरे प्रोफेसर थे जो कि उस वक्त हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के चेयरमैन थे, तो गवर्नमेंट ने उनको मोटिवेट किया कि मशरूम कल्टीवेशन का एक अहम फील्ड है, इस पर एक प्रोजेक्ट सबमिट करो। तो एक प्रोजेक्ट सबमिट करो, तो चाहते उनके गवर्नमेंट के कहने पर उन्होंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के तावन से प्रोजेक्ट सबमिट किया। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के दो मशरूम के मशहूर साइंटिस्ट थे, डॉक्टर कर्जमैन और डॉक्टर सान अंटोनियो, वो इस प्रोजेक्ट के कोऑपरेटिव साइंटिस्ट थे। तो डॉक्टर कर्जमैन कई दफा पाकिस्तान आए, जो उन्होंने रिक्रूट किया था स्टाफ इस प्रोजेक्ट में, उसको वो ट्रेनिंग देते रहे। चुनाचे इस प्रोजेक्ट में सबसे पहला सेमिनार जो इनका हुआ वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हुआ, जो 76 में हुआ। तो इसके प्रोसीडिंग जो है वो शाया हो चुकी हैं। तो मैं उस वक्त एमएससी कर रहा था, तो डॉक्टर दाऊद साहब मेरे सुपरवाइजर थे, तो उन्होंने मुझे ना मोटिवेट किया कि तुम ना मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर ना अपना थीसिस लिखो, इसी पर सर्च करो। चुनाचे उनके कहने पर मैंने अपनी रिसर्च शुरू की। ये पहला स्टूडेंट मैं पाकिस्तान में बन गया जिसने मशरूम कल्टीवेशन पर अपना एमएससी का थीसिस तहरीर किया था। तो डॉक्टर दाऊद साहब जो उस वक्त 1978 में चले गए लीबिया, और 78 में मैंने एमएससी अपनी मुकम्मल की। उस वक्त एक अहम शख्सियत इस प्रोजेक्ट में एज ए सीनियर रिसर्च ऑफिसर काम कर रही थी, वो डॉक्टर सुल्तान महमूद साहब थे, जो बाद में उन्होंने बेतहाशा मशरूम पर काम किया, उनके पाकिस्तान में मशरूम को पॉपुलराइज करने में उनका एक अहम हिस्सा है। तो डॉक्टर कौसर मरहूम जो जिनकी 1979 में डेथ हो गई थी, डॉक्टर दाऊद साहब के जाने की वजह से वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इस प्रोजेक्ट के बन गए। तो लेकिन उनकी डेथ के बाद फिर डॉक्टर सुल्तान महमूद साहब ने ये काम संभाल लिया, और काफी अरसे तक वो काम करते रहे। उन्होंने मशरूम कल्टीवेशन पर 80 से कोर्सेज भी करना शुरू किए। तो अब मैं इस प्रेजेंटेशन को आगे ना प्रेजेंटेशन की शक्ल में पेश कर रहा हूँ, तो आपको प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह वो नजर आएगी, तो आप उसमें देखते रहें इंशाल्लाह कुछ, तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना जो कुछ भी है। स्क्रीन
तो ये प्रेजेंटेशन है जो हमने खोली है, जो आपको सामने नजर आ रही है, इसके टाइटल जो है वो यही है कि सेलियंट फीचर्स ऑफ मशरूम सर्च एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। ये थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री जो भी मैंने बताई है वो है, ये वही चीज लिखी हुई है इसमें कि कब स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट की थी, कॉर्पोरेट साइंटिस्ट कौन थे, आगे इसका स्टाफ था जो कि इस पर काम कर रहा था, डॉक्टर दाऊद साहब प्रोजेक्ट लीडर थे इस प्रोजेक्ट के, डॉक्टर कौसर को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे, डॉक्टर सुल्तान महमूद खान उस वक्त सीनियर सर्च ऑफिसर काम कर रहे थे। तो उसके बाद ये आपके सामने ये दो फोटोग्राफ नजर आ रही है, लेफ्ट साइड पर मेरी फोटोग्राफ डॉक्टर दाऊद साहब के साथ है जो कि मशरूम कल्टीवेशन के पायनियर थे। तो राइट साइड पर डॉक्टर सुल्तान महमूद साहब की फोटो है। तो साहब की सुपरविजन ने अपनी सर्च मुकम्मल की, तो मेरी सर्च का जो टाइटल था वो ये बोल था कि परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ चाइनीज मशरूम वॉल वेरिला बल्बेसिया ऑन वेरियस सबस्ट्रेट्स द हाई टेंपरेचर वैरायटी ऑफ चाइनीज मशरूम की। तो शुरू में जब इस प्रोजेक्ट में सर्च स्टार्ट की गई, तहकीकात स्टार्ट की गई, तो तीन तरह के मशरूम पर काम शुरू हुआ। एक चाइनीज मशरूम थी, पाकिस्तान के चूंकि ज्यादातर इलाकों का दर्जा अलर्ट ज्यादा था तो उसको चाइनीज मशरूम पर सर्च शुरू की, उसी पर अपनी एमएस मुकम्मल की थी। फिर ऑयस्टर मशरूम दूसरी और तीसरी बटर मशरूम। तो इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन थी उस वक्त की और अब भी है कि पाकिस्तान में दो तरह की मशरूम जो है ना मार्केट से अवेलेबल है, इम्पोर्टेड है, जो बाहर से आती है। एक बटन मशरूम है जो टिन्स में आती है, कैन में प्रिजर्व की होती है, और मार्केट में दूसरी चाहे एक और मशरूम है जिसको लोग ना मार्केट में लोग उसको ब्लैक मशरूम के नाम से जानते हैं, तो वो ड्राई फॉर्म में चाइना से ज्यादातर आती है, वो सूप्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसका ब्लैक कलर होता है, उसकी वजह से उसको ब्लैक मशरूम कहते हैं। लेकिन उसका कॉमन नाम जो है ना वो शिटाके मशरूम है। तो बटर मशरूम ये बड़ी पॉपुलर है, तमाम होटल्स चाइनीज रेस्टोरेंट पिज्जा रेस्टोरेंट में यही मशरूम अब तक इस्तेमाल हो रही है, जबकि पाकिस्तान में कोई आदमी उस वक्त कल्टीवेट नहीं कर रहा था। तो उसके बाद पाकिस्तान के जो फाउंडेशन है जो जिस वजह से जो प्रोजेक्ट हुआ वो यही था कि पाकिस्तान में चूंकि लोग वाइल्ड मशरूम को जानते थे, कई इलाकों में कुछ वाइल्ड मशरूम या मशरूम जो उगती है वो खाते भी हैं। पाकिस्तान में एक वाइल्ड मशरूम होती है पहाड़ी इलाकों में जिसको ब्लैक मॉलेट कहते हैं, वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है 60-70 टन सालाना जो है ना वो खुश्क मशरूम वो बाहर भेजी जा रही है। तो इस वजह से लोग इसको जानते भी थे सारा कुछ। इसके अलावा एक और इसमें जो है कि पाकिस्तान बेसिकली ज़रई कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है, इसमें जितना भी रॉ मटेरियल है जो इसकी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, जिसमें साड डस्ट है, कॉर्न स्टॉक्स हैं, राइस स्ट्रा है, वी स्ट्रा है, इसके अलावा कॉटन वेस्ट है। तो ये तमाम चीजें अवेलेबल थी, तो आज इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस पर ये स्टार्ट किया गया। दूसरा ये काफी महंगी आइटम होती है, तो जो पहाड़ी इलाकों में जो चूंकि पोस्ट चस जो कास्ट की जाती थी उसको रिप्लेस करने के लिए भी ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ताकि लोगों को अल्टरनेटिव कोई आमदनी का जरिया बन सके, ताकि उसमें पॉपी कल्टीवेशन जो है वो खत्म हो सके। तो सबसे पहले जो मशरूम जो है थे जिस पर ज्यादा काम शुरू हुआ जो आसान थी, जो निस्बतन बहुत आसान थी, बटन मशरूम से बहुत ज्यादा आसान थी, लेकिन बटन मशरूम की मार्केट ज्यादा थी, ऑयस्टर मशरूम को जानते नहीं थे, लेकिन ये आम लोगों के लिए बहुत आसान थी। लेकिन ऑयस्टर मशरूम में एक प्रॉब्लम थी कि आम लोग जो है ना या होटल वगैरह या पिज्जा रेस्टोरेंट वगैरह इसको मशरूम कंसिडर नहीं करते थे, क्योंकि इसकी शक्ल इस तरह की थी, छतरी की तरह थी,
तो वो उसको मशरूम नहीं समझते थे, जिसका वजह से इसको मार्केटिंग का प्रॉब्लम हुआ। अदर लेकिन इसकी मेडिसिनल वैल्यू जो उतना बटन मशरूम से भी ज्यादा थी। तो उसके बाद फिर जो आस्ता आस्ता काम चलता रहा, 1983 में मेरी एज ए लेक्चरर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हो गई। फिर हम मशरूम कल्टीवेशन का पहला जो प्राइवेट फार्म इस्टेब्लिश हुआ रावलपिंडी में, NLC ने इस्टेब्लिश किया था जो बटर मशरूम के पहले था। फिर मैंने भी अपने, मेरा भाई कैनेडा में था साजिद, तो वो उसको मैंने यहाँ पर बुला लिया उसके तामस से। फिर मैंने ना आस्टर मशरूम का एक फार्म फैसलाबाद में आस्टर मशरूम के साथ के तावन से मैंने ना ये फार्म इस्टेब्लिश किया। आस्टर मशरूम के नाम से ये फार्म था। तो मेरे भाई ने साजिद ने बहुत ज़्यादा इसका तावन किया मुझे मेरे साथ। शुरू में इसके मार्केट के में प्रॉब्लम आई, एक साल तक तो इसकी मार्केट नहीं हुई पाकिस्तान में आस्टर मशरूम की, ना कोई भी नहीं लेता था इसको। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो स्टाके मशरूम के शक्ल जिससे मिलती थी वो मशरूम, मैंने ऑस्टर मशरूम की किस्म थी फिनिश मशरूम उसको कहते हैं, वो मैंने कल्टीवेशन करना शुरू की। आस्ता आस्ता लोगों ने वो लेना शुरू कर दी। दूसरे और तीसरे साल में जाके ना हमारी प्रोडक्शन तकरीबन तकरीबन एक दिन छोड़ के ना 100 किलो तक पहुंच गई थी डेली। और सारी की सारी मार्केट हम कराची में कर रहे थे, और सारी की सारी मार्केट जो कराची में बिक रही थी। ये जो फोटोग्राफ आपको नजर आ रही है ये स्लाइड में, इस स्लाइड में ये आस्टर मशरूम की कुछ उसी फार्म की फोटोग्राफ है जो हम कर रहे थे। हम फ्रेश मशरूम की मार्केट भी कर रहे थे, हम जो टिन्स में भी मार्केट भी करनी शुरू कर दी थी आस्टर मशरूम की। फिर हमने जो नीचे जो एक फोटोग्राफ है जो हमारे फ्रेश मशरूम का पैक है, और राइट में हमारा पैकिंग थी वो ड्राई मशरूम की, आस्टर मशरूम को ड्राई करके फिर इस तरीके से हमने उसको ना डब्बे में पैक करके फिर हम बेचते थे। तो ये फार्म जो कल्टीवेशन की इसकी फोटो है, जो हम हैंगिंग बैग है जो ऊपर लटका के छत के साथ हमने ग्रो कर रहे थे, फिर रैक्स में हमने ग्रो करनी शुरू की, उसकी फोटोग्राफ है। तो ये राइट साइड पर जो फिनिश फ्लास्टर मशरूम है ऊपर की तरफ, ऊपर वाली राइट साइड पर जो फिनिश फ्लास्टर मशरूम है। फिर 1989 और 90 में फिर NLC फार्म एस्टेब्लिश हुआ, ये उन्होंने हॉलैंड के तावन से किया। स्पान भी उन्होंने, स्पान इसके सीट को कहते हैं, तो वहाँ से उन्होंने मंगवाना शुरू किया। इसी दौरान 1999 में ट्रेनिंग के लिए मैं फिर हॉलैंड गया, जो मुझे हॉलैंड का जो वहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर है वो होस्ट ये हॉलैंड में जगह है, तो वहाँ पर है। ये जो आपको फोटोग्राफ नजर आ रही है इस स्लाइड में, जिसमें मेरी उस वक्त की फोटो है 1990 की, और ये उसी होस्ट के ट्रेनिंग सेंटर की कल्टीवेशन की फोटोग्राफ है। तो फिर हमने स्टार्ट किया, डॉक्टर सुल्तान साहब ने एक्चुअली कोशिश की थी, क्योंकि शुरू में इसके कल्चर जो मदर स्पान जो मदर कल्चर जो इतना वाहिद से मंगवाए गए थे, जिनमें से अपना चाइनीज मशरूम का कल्चर थे और ऑयस्टर का कल्चर थे, ऑयस्टर का बेसिक मदर कल्चर थे वो अमेरिका से मंगवाए गए थे डॉक्टर कर्जमैन और डॉक्टर जो मशहूर साइंटिस्ट थे उस पर दुनिया के डॉक्टर चांग जो हांगकांग के थे, जो हमें कल्चर जो स्पान वगैरह हमें उन्होंने भेजा, तो स्पान वगैरह उन्होंने ना भेजा, तो उसके हमने ट्रायल किया। तो उसके बाद फिर हमने अपना बटर मशरूम का ट्रायल फर्स्ट टाइम शुरू किया, जिस फोटोग्राफ में मेरे कजन मेरे साथ हैं, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त उसकी डेथ हो गई है तो वो नहीं है हमारे पास साथ, तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेरी हेल्प की और साथ नीचे मेरी फोटो। ये फर्स्ट ट्रायल था जो हमने ना बटर मशरूम पर किया, ये लकड़ी की टेज में है जो आपको इसके स्पानिंग स्पान रनिंग इसमें बकायदा नजर आ रही है, स्पान की ग्रोथ नजर आ रही है। फिर गवर्नमेंट ने मुझे एक स्कॉलरशिप ऑफर किया, उस स्कॉलरशिप की वजह से मैं फिर इंग्लैंड चला गया, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड इंग्लैंड में मुझे एडमिशन मिल गया। वहां पर मैंने फिर अपनी रिसर्च PhD की रिसर्च वहां पर शुरू की, और इस किताब और डॉक्टर वहां पर से इस वक्त मशहूर साइंटिस्ट थे डॉक्टर जेफ स्मिथ, वहां पर वेस्टबर्न हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंटरनेशनल में मशरूम की रिसर्च हो रही थी, उनके ताम से मैंने कुछ अपने हाई टेम्परेचर के वैरायटीज पर रिसर्च शुरू की। तो वहां पर मैंने अपने को ट्राई भी लगाया, ये ट्रॉपिकल बटन मशरूम यानी हाई टेम्परेचर बटन मशरूम को हमने उसको नाम दिया, जिस पर मैंने बटन तो जो वार वेदर बटन मशरूम जो है ना, जो बटन मशरूम की पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि सर्दियों में यहाँ पर ज्यादातर इलाके का दर्जा रहता कम रहता है, लेकिन गर्मियों में ज्यादा हो जाता है, गर्मियों में ये ग्रो नहीं हो सकती।
तो बटन मशरूम उस वक्त तक नहीं निकलती, उस वक्त तक ग्रो नहीं होती जब तक कमरे का दर्जा हरारत 17 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ना कर दिया जाए। ये बड़ा गर्मी में मुश्किल होता है। तो जो हाई टेम्परेचर वैरायटी के ऊपर मैंने जो रिसर्च की उसमें ऐसी वैरायटी थी जो 25 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मशरूम दे रही थी बटन मशरूम, उस पर मैंने रिसर्च की, अभी कर रहा हूँ। ये हाई टेम्परेचर वैरायटी पाकिस्तान के कई इलाकों में बहुत सूट करती हैं, जैसे कराची है, कराची के एनवायरमेंट है, उसके बाद पहाड़ी इलाकों के एनवायरमेंट है, निचले और नीचे जो लो जो हाइट है ना वहां पर भी जो ग्रो बड़ी सारी चीज कर सकते हैं। ये आपके ये जो हमने ट्रायल किए थे ना हाई टेम्परेचर वैरायटीज के, ये उसकी फोटोग्राफ है जो मैं कुछ बाहर से मुल्कों से कलेक्ट की थी, कुछ मेरी अपनी रिसर्च थी। ये एक प्राइवेट फार्म था जिसको हमने सेमी कल्टीवेशन ट्रायल शुरू किए थे, ये उसकी फोटोग्राफ है जिसे शेखोपुरा में था। ये वहाँ पर हमारे ग्रो थे मोइन बिल्ला, तो उनके तावत से हमने ये ट्रायल शुरू किए थे। ये मैंने वैरायटी खुद डेवलप की, यानी AS65 ऑफ गैरिकस बाई टॉर्केस। तो साइंसी नाम जो है गैरिकस हाइग्रो टेम्परेचर जो बटर मशरूम है उसका है गैरिकस बाई स्पोरस, जो हाई टेम्परेचर वैरायटी उससे मिलती जुलती है, तो वो शक्ल भी वैसी है, आम लोग पहचान नहीं सकते। तो ये इस पर मैंने एक वैरायटी डेवलप की जो अब भी कर रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ। तो वो वाइल्ड मशरूम कलेक्ट करने के बाद तो मैंने फिर जब लेबॉरेटरी में ग्रो किया, जिस साइड उसकी है जो लेफ्ट साइड पर जो वाइल्ड मशरूम है, बाद में जब लेबॉरेटरी में इसी को ग्रो किया तो बड़ी खूबसूरत मशरूम भी निकल आई। फिर एक और वैरायटी जो थी एग्जैगरिकस एजेंथन डर्मेटाई, उस पर मैंने रिसर्च की। तो इसी रिसर्च के सिलसिले में मेरा एक पेपर इसी इसके ऊपर ना वहाँ पर एक साइंटिस्ट ने किसी ने एक पेपर लिखा, उसी में उसने ना अपना इंसेक्ट्स के अटैक के मुतालिक इसको अपने रिसर्च में शामिल किया। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि ये वाइल्ड वैरायटी जो है ना डॉक्टर जे आसिफ जो है ना उन्होंने प्रोवाइड की थी, इसको सारे लिखा हुआ है। फिर एक गिगले मशरूम फार्म मैंने फैसलाबाद में स्टेब्लिश किया था, जो इनिशियल जमाने की बात है शुरू में से, जब ये उसकी फोटोग्राफ है जिसमें एक कमरे से उन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये सारी फोटोग्राफ उसी की हैं उन्होंने। फिर एक और सईद अकबर थे हमारे ग्रो, जिनका फार्म था जिनको कंपोस्टिंग कंपोस्ट पर ये ग्रो होती है बटन मशरूम को। राइट साइड पर हमने एक सस्ता सा स्टेराइजेशन पास्चराइजेशन रूम बना लिया, नीचे उसके जो आपको नजर आ रहा है ये हाई टेम्परेचर के लिए ना इसका बॉयलर टाइप स्टीम जनरेटर है, जो स्टीम इसको प्रोवाइड करता था इसके लिए। ये वेंटिलेशन सिस्टम हमने सईद अकबर साहब के फार्म में बनाया था इसका। ये फोटोग्राफ जो है मिट्टी की बटन मशरूम की जब ग्रोथ हो जाती है ना मुकम्मल, इसके बीज जब ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है तो इसको पहले मिट्टी की तह दी जाती है। ये सादा जो मिट्टी होती है ना जो आम टॉप साइल होती है, उसकी फोटोग्राफ है जो हमने दी हुई है, तो जो उसकी वहीं से हार्वेस्ट की हुई है। एक और हमने फार्म फिर स्टेब्लिश किया था, स्टोरेज था उसको हमने कन्वर्ट किया मशरूम फार्म पर, तो ये सुगोदा की फोटोग्राफ है जो हमने की। तो यहाँ पर एक और फार्म है जो हमने बाद में इस्टेब्लिश किया, ये जाहिर सिद्धू का फार्म है, ये ब्राउन वैरायटी है जहाँ पर की ये मैंने इस्टेब्लिश किया था। आजकल जाहिर सिद्धू जो है कंसल्टेंसी भी लोगों को दे रहे हैं, तो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन सारी ट्रेनिंग उनको मैंने दी थी और सारा कुछ इस्टेब्लिश मैंने किया उनका फार्म सारा सारा। फिर तब्दीली और चेंजेस जो आई वो ये थी कि एक फार्म है इस्टेब्लिश किया 2011 में, मारगला मशरूम फार्म उसका नाम था। ये एक मशहूर लायर थी आसमा जहांगीर के हस्बैंड थे, पंजाब ऑयल मिल का ये प्रोजेक्ट था। जो इनिशियल फोटोग्राफ है जो मैंने मारगला मशरूम फार्म के जिस हो जो जहां पर हमने कल्टीवेशन ट्रायल शुरू की 2011 में, तो ये लेफ्ट साइड पर नीचे जो फोटोग्राफ है ये काशिफ की है, जो मेरा स्टूडेंट है, जो बड़ा प्रोमिनेंट और बड़ा पोटेंशियल थी इस स्टूडेंट में, तो इनको मैंने वहां पर लगवा दिया था उनके फार्म में। आप जी आजकल जो मैनेजर है मशरूम यूनिट का ना जरी तरक्याती बैंक इस्लामाबाद का, जो आप इसने आगे की कई फार्म इसने इस्टेब्लिश करवाए हुए हैं, लेकिन ये मेरा स्टूडेंट है, इसने एमएससी मुझे से मेरे पास से की थी 2011 में, तो इसको रिक्रूटमेंट मैंने वहीं पर लगाई। उन्होंने ट्रेनिंग भी बाहर भेजा इसको लेने के लिए, जो उसी के इनिशियल ग्रोथ रूम था उसी फार्म का जिसमें ये हमने थी। फिर हमने हाई टेम्परेचर वैरायटी के ट्रायल वहाँ पर किए मारगला मशरूम फार्म में, जिसकी फोटोग्राफ है। ये मारगला मशरूम फार्म जो है ना ये आपको देख रहे हैं कि ये 2011 में था, फिर 2017 में वो इतना इस्टेब्लिश हो गया कि मार्केट उन्होंने करनी शुरू कर दी। उनकी आप प्रोडक्शन तकरीबन 100 किलो डेली की है रोजाना के हिसाब से,
2010 की ये फोटोग्राफ है जो आप देख रहे हैं। फिर हमने एक और चूंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का टेम्परेचर काफी हाई रहता है, पर्टिकुलरली गर्मियों में बटन मशरूम करनी मुश्किल हो जाती है, आस्ते भी मुश्किल हो जाती है, तो फिर हमने कुछ कल्चर कुछ एक ग्रोव के तावर से ना मैंने मिल्की मशरूम का इंडिया से मंगवाया, वो ट्राई किया, वो 25 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान इसकी ग्रोथ हो जाती है, कलच्ची के लिए बड़ी सूट करती है और कई और इलाकों के लिए बड़ी सूट करती है। जो मिल्की मशरूम है, जो हम मिल्की मशरूम जो है शक्ल तो उसकी बटन मशरूम से मिलती है, वाइट है और इसकी शेल्फ लाइफ भी बटन मशरूम की डिसेबल ज्यादा है, 3-4 दिन तक सख्त गर्मी में कमरे में आम टेम्परेचर पर भी रख दिया जाए तो ये खराब नहीं होती। ये फोटोग्राफ ये फार्मर है जिसके तावन से मैंने, वकार साहब है पेशावर के, उनके तावन से मैंने ये कल्चर जो मैं इंडिया से मंगवाया था, ये मिल्की मशरूम है, आसान है, कल्टीवेशन करनी मुश्किल नहीं है। तो जो उन्होंने ये फर्स्ट ट्रायल थे जो उन्होंने अपने फार्म पर पेशावर में किए, अब जो रेगुलर वो गर्मियों में ये इसको मिल्की मशरूम कल्टीवेट कर रहे हैं। फिर मैंने कल्चरल ट्रायल जो आसम शूम के थे उसमें हमने काफी वैरायटी काफी अकसाम जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराई, जिनमें पुलुटस ऑस्ट्रिएटस सैजर कैजू है, फिनिश रोस्टर भी इसको कहते हैं, सैपिडस है, कोलंबियनस है, इनके मैंने कल्चरल ट्रायल किए, मुख्तलिफ टेम्परेचर सेट किया। जो पुलुटस सैपिडस मेरे पास है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, बाकी जो मशरूम है वो 20 से नीचे होती हो रही थी, इसलिए ये बड़ी फूट कर रही है। आजकल लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से जो ग्रो कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती हैं। ये मुख्तलिफ वराइटीज हैं जो हम आसम मशरूम के लोगों को देते हैं, ज्यादातर जो लो टेम्परेचर की वैरायटी है गोल्डन कलर की है, जो फिनिक्स रोस्टर राइट साइड पर डार्क ग्रे कलर की, दरमियान में ब्लू कलर की है, जो ऑस्ट्रिएटिस ही है, लेकिन जो लेफ्ट साइड पर जो है ना सैपिडस है व्हाइट कलर की, ये हाई टेम्परेचर वैरायटी है ऑस्टर की, तो जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी कल्टीवेशन हो सकती है। एक और वैरायटी है, अगर उसको हम गर्मियों में सर्दियों में इसको ग्रो किया जाए तो, क्योंकि सर्दियों में हमारा टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो जो तकरीबन इसका टेम्परेचर जो है ना इसके लिए चाहिए किंग ऑस्टर के लिए 13 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड वो सर्दियों में होता है, तो इसको सर्दियों में ये ग्रो करेंगे, आगे फिर उसको फरवरी मार्च में उसको ग्रो करना शुरू कर दें सैपिडस को, फिर उसके बाद गर्मियों में मिल्की मशरूम कर दें, तो सारा साल मशरूम जो है ना वो हासिल की जा सकती है। साथ उसके कम्बिनेशन बना रहे जाए अगर हाई टेम्परेचर बटर मशरूम का, सर्दियों में बटर मशरूम करें, इधर पहाड़ी पाकिस्तान के और जो मैदानी इलाकों में बटन मशरूम कर ले सर्दियों में, गर्मियों में हाई टेम्परेचर बटन मशरूम कर ले, इसलिए बटन मशरूम भी सारा साल जो है ना वो हासिल की जा सकती है। ये इसकी बहुत डिमांड है किंग ऑस्टर की ना बाहर, अगर उसको ड्राई करके ना एक्सपोर्ट किया जाए तो हम काफी ज्यादा जरे मुबादला कमा सकते हैं। ये नेट से मैंने फोटो ली हुई है, नीचे ये किंग ऑस्टर है जो बॉटल में ग्रो की हुई है, ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ी हार्ड मशरूम है, खराब नहीं इतनी होती। आगे एक और मशरूम है जो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ग्रो की जा सकती है, ट्रायल कुछ हमने किए हैं लेकिन उसको कमर्शियली या सेमी कमर्शियली तौर पर कोई आदमी इसको ग्रो नहीं कर रहा। चाइना की मशरूम है जो पाकिस्तान, जिसको भी मैंने बताया था ब्लैक मशरूम इसको कहते हैं, ये आम बोट होकर यहाँ पर आती है, ये पहाड़ी इलाकों में होती है, ओक लॉग्स पर साफ बलूत के लकड़ी के टुकड़े उनमें सुराख करके सामान डाल दिया जाता है, दरख्तों के नीचे ये टुकड़े लकड़ी के रख दिए जाते हैं और तकरीबन 7-8-9 महीने के बाद मशरूम निकलती है, 4-5 साल निकलती रहती हैं। प्लास्टिक के बैग में भी की जा सकती है, जो एक फोटोग्राफ में प्लास्टिक में बैग में की हुई है, उसमें भी 4-5 जिसमें पहाड़ी इलाकों में सिर्फ इसको ग्रो किया जा सकता है। ये मैंने जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ना ये आपको एक फोटोग्राफ है जिसमें कंपोस्ट या कंपोस्ट के ऊपर जो बटन मशरूम ग्रो की हुई थी, ऊपर केसिंग की लेयर आपको नजर आ रही है, ऊपर उसमें जब तक केसिंग ना की जाए कंपोस्ट के ऊपर मशरूम नहीं निकलती बटन मशरूम, तो ये केसिंग की फोटोग्राफ है जिसको मशरूम निकल रही है। फिर हमने केसिंग ट्रायल जो टेस्ट ट्यूब में किए थे, ये चेक करने के लिए केसिंग ना की जाए तो फिर ही निकलती है, इन्हें हमने टेस्ट ट्यूब में कंपोस्ट डाली तो मशरूम नहीं बनी, लेकिन जब उसमें केसिंग कर दी तो उसमें मशरूम बन गई। जो आपको नजर आ रही है कि टेस्ट ट्यूब में सिर्फ केसिंग के ऊपर मशरूम बनी है, केसिंग के बगैर ये मशरूम नहीं बन सकती, इसलिए बटर मशरूम के लिए मिट्टी की तय जो ऊपर दी जाती है उसको केसिंग कहते हैं कंपोस्ट के ऊपर, तो वो बहुत जरूरी है, अगर वो ना दी जाए तो मशरूम नहीं बनती। फिर हमने अगला फिर हमने लोकली स्पान तैयार करने पर काम शुरू कर दिया, तो फिर आप तो हम अपनी लैबोरेटरी छोटी सी हमने बनाई हुई है, पहले मैं यूनिवर्सिटी में स्पान तैयार करते थे, अब मैं चूंकि रिटायर हो गया हूँ यूनिवर्सिटी से,
तो वापस अब मैंने प्राइवेट सेक्टर पे थोड़ा बहुत, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है, सारा कुछ अगर ग्रोअर इन्वेस्ट करना चाहे तो हम उसको ऑफर करते हैं कि हम उसकी 5 लेबोरेटरी बनवाएंगे और बनवा सब मिला के दे सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में जो है ना लोकली स्पान प्रोड्यूस की जा सकते हैं। जो पाकिस्तान में हालात ना आजकल इम्पोर्टर स्पान मंगवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो प्रॉब्लम आई हुई है, तो लोकली अगर स्पान प्रोड्यूस किया जाए तो उसी की डिमांड होगी, तो बाहर के स्पान की यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। जो स्पान प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो मैंने प्राइवेट सेक्टर में एस्टेब्लिश की, इसके लिए थोड़ा सा मैंने ये डेमोंस्ट्रेट किया हुआ है, ये टिश्यू कल्चर है के तरीके हैं, ये सिंगल स्पोर कल्चर है, एक स्पोर को लेकर ना उसको उसमें से आप आइसोलेट करके उसके कल्चर तैयार करके फिर मदर स्पॉन तैयार करते हैं, फिर मल्टी स्पोर कल्चर लेते हैं, ये मुख्तलिफ इसकी टेक्नोलॉजी मैंने डेमोंस्ट्रेट की स्पॉन प्लेक्चरिंग स्पोर को कैसे आइसोलेट किया जाता है, नीचे हाइब्रिड स्टेट बनाने के तरीके का है कि दो वैरायटीज करना उसको एक स्पोर के जो मैसीलियम जो आगे ग्रो होता है उसकी ग्रोथ होती है उसको कहते हैं होमोकैरियोटिक मैसीलियम, एक दो दो मुख्तलिफ मशरूम के राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर डाल दिए इनाकुलेशन की पैटी डिशेज में, दरमियान में जब इसकी यूनियन हुई उसको लेकर अगर ग्रो किया फिर तो उसके ग्रोथ ट्रायल किए तो जो बेहतरीन वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी निकल आती है ग्रो होती है, तो उनको फिर हम आगे फिर एक लंबा एक प्रोसेस है उसके बाद हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करने के लिए, ये वाइल्ड आइसोलेट के प्योर कल्चर है नीचे आपको इस स्लाइड में नजर आ रहे हैं, जो टेस्ट ट्यूब में इसके प्योर कल्चर आपको नजर आ रहे हैं सारे, ये स्पान है जो हम पहले हम बोतलों में तैयार करते थे, तो इसके जो क्वालिटीज है गुड क्वालिटी स्पान की ये वो ये है कि एक तो ये फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए, क्रॉप जल्दी दे दे लेट ना करे, हाई यील्डिंग को प्रोडक्शन की ज्यादा हो और बेटर क्वालिटी मशरूम इसमें प्रोड्यूस करें। जो हमारे पास वैरायटीज हैं जो नीचे आपको दी हुई है मुख्तलिफ वैरायटीज जो हम लोगों को जिसका स्पान सप्लाई करते हैं, तो पाकिस्तान में चूंकि हमने सारा स्टार्ट किया था डॉक्टर दो साहब थे, डॉक्टर कौसर थे, उसके बाद डॉक्टर सुल्तान साहब थे, सब ने काम शुरू किया। अब छोटे माले पर जो काम हो रहा है कुछ इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन का सच जिनके नाम लिखे हुए जहाँ पर काम हो रहा है, एक तो यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस में हो रहा है, ये सबसे ज्यादा अच्छा काम इसी पर हुआ है, फिर NARC इस्लामाबाद में, फिर निफा पेशावर तनाब और कुछ और इलाकों में, कोयटा में भी अब तो काम शुरू हो गया है, तो वहाँ भी लोग कर रहे हैं। तो इसमें एक और शख्सियत जो जिसने मैंने हमारा मशहूर लेबॉरेटरी बनाने में बहुत ज्यादा तामन किया वो जजरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे डॉक्टर इकरार, तो ये उनकी फोटोग्राफ उनके साथ मेरी साथ मेरे भाई हैं जनरल के साथ मिलकर हमने आसिफ मशरूम जो है फार्म वो इस्टेब्लिश किया था। फिर हमने ये सोचा कि जब तक डेमोंस्ट्रेशन फैसिलिटी पाकिस्तान में ना हो तो लोग आगे कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो हमने एक डेमोंस्ट्रेशन फैसिलिटी डॉक्टर इकरार साहब ने हमें जगह प्रोवाइड की, ये नीचे आपने ये डेमोंस्ट्रेशन ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए लोगों को फैसिलिटीज हमने एस्टेब्लिश कर दी। ये आपके फोटोग्राफ हैं, ये हमारे लेक्चरर हैं, लेक्चर कोर्सेज हुए हैं जो करते रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की फोटोग्राफ है जिसमें स्टूडेंट्स भी है ग्रोअर्स भी आ गए ना, ये आपके फोटोग्राफ नीचे नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे डॉक्टर राना असलम साहब की है, फिर ये हमारे चेयरमैन थे उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस के डायरेक्टर थे डॉक्टर, उन्होंने मुझे ना फर्स्ट लेबॉरेटरी पाकिस्तान में इन्होंने एस्टेब्लिश करके दी जिसकी वजह से काम बहुत आगे बढ़ा, तो यहाँ पर मुझे जगह मिल गई, ये सारा काम इन्हीं का था जिन्होंने मुझे एस्टेब्लिश करके दी। ये हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज थे जिसमें हम करते रहे मुख्तलिफ जगह पर सारी सब ट्रेनिंग कोर्स, मैं मुख्तलिफ जगह जाता हूँ वहाँ पर जो सारे कोर्सेज में करता हूँ सारा कुछ वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, हरिपुर में कराए हुए हैं, कोहाट में कराए हुए हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर, इस वक्त मेरे कोलेबोरेशन पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के साथ है डॉक्टर नासर के साथ, अब्दुल नासर और डॉक्टर नियाजी के साथ, तो वाइल्ड एक प्रोजेक्ट भी हमने सबमिट किया है वर्ल्ड बैंक में, देखें अब दुनिया के हिसाब ठीक रहे तो प्रोजेक्ट मिल जाए तो उनका मैं कंसल्टेंट के तौर पर काम करूंगा। फिर दूसरा हमने प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से हमने काम को स्टॉप हुआ, तो ये वोमेन यूनिवर्सिटी है मदीना टाउन फैसलाबाद में, तो उसमें 52 से भी मैंने वहां पर ना शुरू किया था काम, तो अब जब मुल्क हालात ठीक होते हैं जिसको हम फिर कंटिन्यू रखेंगे,
تو یہ مختلف کورسز کی فوٹوگراف ہیں, یہ آپ کو کوہاٹ کی نظر آ رہی ہے, پنجاب یونیورسٹی کی نظر آ رہی ہے, یہ ہری پور کی نیچے آ رہی ہے, یہ اخباروں میں اس کی فوٹوگراف بھی آتی رہی ہے. پھر ہم نے فیصل آباد میں ایک پان چھوٹے پیمانے پر اسٹارٹ کیا ہے, مشروم فارم سانتے گرین ڈی بائی مشروم فارم, جو ڈاکٹر دلدار صاحب ہیں رانا, ان کے تعاون سے یہ اسٹارٹ کیا تھا ہم نے. تو یہ پھر ایک میگزین جو پبلش کرتے ہیں, اردو کا میگزین ہے شفا جاب, یہ ہر مہینے آتا ہے جس میں مختلف انہوں نے آرٹیکل دیے ہوتے ہیں. اس کا میں پرماننٹ رائٹر ہوں, ہر مہینے میرے اس میں آرٹیکل آتے ہیں, تو جس نے لگوانا ہو تو یہ اس کو لکھ کے لگا دے, اگر وہ میرے جو آرٹیکل ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اب اس میں پرابلم اگر دیکھیں مشروم کی, تو اس میں دو سٹیجز پر اس کی پرابلم ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے پروڈکشن سٹیج, ایک مارکیٹنگ سٹیج. تو اس میں پروڈکشن سٹیج میں ہوتی ہے سپلائی انپٹس, اس کی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں, ٹیکنیکل نو ہاؤ چاہیے, نالج چاہیے, علم چاہیے. پھر اس کے بعد لوگوں کے پاس اگر پیسے کی کمی ہو تو پھر نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ شارٹیج آف اس کے قرضے وغیرہ شروع کرے تاکہ لوگ اس کو کر سکیں, عام آل پھیل جائے. دوسری مارکیٹنگ میں جو پرابلم آتی ہے کہ اتنا چھوٹے پیمانے پر لوگ کرتے ہیں کہ ریگولر مارکیٹ ہمیشہ ریگولر مشروم کی ہوتی ہے کہ ڈیلی دے مشروم, تو وہ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس فنڈس کی شارٹیج ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ کم چھوٹے پیمانے پر گرو کر رہے ہیں, پھر مارکیٹ دور دراز کے علاقوں میں گرو کر رہے ہیں, وہاں سے مارکیٹ والی جگہ پر لے جانا بہت مشکل ہوتا ہے مشروم کا, تو ٹرانسپورٹیشن پرابلم بھی آ جاتی ہے. پھر لو, بعض دفعہ لو سیل پرائسز ہوتی ہے, ہائی مارکیٹنگ کاسٹ بھی انوالو ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ کاسٹ آ رہی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم ہے. جو پھر ایک اور اہم پرابلم ہے جو کہ ہائیلی پیریشیبل نیچر, بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے مشروم, جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے پرزرو کیا جائے. تو اس کے علاوہ مارکیٹ آئٹم کی پال سب سے ضروری یہ ہوتی ہے نا ریگولر سپلائی ہے, اگر ریگولر سپلائی نہ آپ کر سکے تو مشروم جو ہے نا مارکیٹ نہیں ہو سکتی. آپ ایک دن دے دیں گے, اگلے دن نہ دیں, دوسرے دن, تیسرے دن نہ دیں, تو آپ کی مارکیٹ خراب ہو جاتی ہے. اس لیے اس طریقے سے پلان کیا جائے کہ ریگولر اس کے مارکیٹ جو ہے نا, اس دوسری چیز جو ہے گریڈنگ پیدا کی جائے اور ہائی کوالٹی مشروم جو ہے نا وہ پروڈیوس کی جائے, تو اس لحاظ سے وہ پھر اس کی مارکیٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ, اس سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ مختلف بزنس ہیں جو کی جا سکتے ہیں مشروم کی, نہیں صرف تازہ مشروم سپلائی کی جائے, لیکن جس میں اور بھی اس کے ہے, ایک تو یہ امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ فل ٹائم آکوپیشنل ہے, بڑے معنی میں کرنا سکتا ہے تو اسے انکم کا سورس مل جاتا ہے. ایک بعض لوگ جاب کرتے ہیں تو پارٹ ٹائم کر سکتے ہیں جا کے, وہ بھی کام اس میں کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد فلی ایگزسٹنگ مارکیٹ فیسلٹنگ آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنا اس کے لیے, کیونکہ پاکستان چونکہ مشروم امپورٹ ہو رہی ہے, اس لیے آپ وہاں پر اپنے مشروم بھی رکھتے ہیں جو یہ ہو جائے گا. یہ آپ کے بھی میں جیسے بتا رہا تھا ریلیٹڈ بزنس, سپلائی آف فریش اور ڈرائی مشروم, پھر اسپان پروڈکشن کی علیحدہ ایک فیسلٹیز بن سکتی ہیں جہاں پر ایک کمپنی ہو اسپان پرووائڈ کرے, لوگ اسے خریدے, پھر آگے جا کے پھر وہ لوکلی اسپان پروڈیوس کیا جائے. پھر ٹنس کی ہے, ٹنس میں پریزرو کے کوئی پہلے بتایا تھا غربی کی یہ مشروم جو ہے نا اس کی پرابلم جو ہے نا پیریشیبلٹی ہے کہ جلدی خراب ہو جاتی ہے, تو ٹنس کی کینگ انڈسٹری اسٹیبلش کی جائے, جیسے چائنا میں ہے تو وہاں پریزرو کر کے مشروم کو مارکیٹ میں دیا جائے تو اس کے خراب نہیں ہوتی مشروم. پھر اس کے مشروم پر ڈرائی مشروم کر کے اس کا پروڈکٹس مختلف مشروم کے نا استعمال کیا جائے تو وہ بھی پرزرو ہو جاتی ہے. کمپوسٹ پاپولیشن کی انڈسٹری ہے جیسے ہالینڈ اور یورپین کنٹری میں ہوتا ہے کہ کمپوسٹ کے لیے علیحدہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے, یونٹ وہاں سے سپلائی کرتے ہیں گرور کا, وہ اس پر مشروم گرو کرتے ہیں. تو ہر اسٹارٹ اپ پروگرام کے لیے, نئے پروگرام کے لیے ہم ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. بعض لوگ ٹریننگ نہیں لیتے, لیکن ٹریننگ لینے کے بعد وہ دو چار چھ مہینے کے بعد خود اپنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے, تو ٹریننگ بہت ضروری ہے. دو چار مہینے کے لیے ہمیں انوالو رکھنا پڑے گا, جہاں سے جہاں میرے اسٹوڈنٹ کو انوالو رکھنا پڑے گا جس سے وہ ٹریننگ لیں, پھر آگے وہ خود کر سکتے ہیں. آگے جو میرا پروگرام تھا کہ میں کسی طریقے سے پاکستان میں جگہ جگہ مشروم پھیل جائے, تو میں نے پروجیکٹ سبمٹ کیا تھا,
लेकिन वो गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया, अमेरिका के थॉमस से, अमेरिका के मशहूर साइंटिस्ट थे डॉक्टर रॉयस, उनके साथ थॉमस से, उसमें उन्होंने एडवाइजरी कमेटी हर इलाके में बनानी थी, दो दो आदमियों की, उनको ट्रेनिंग देना था, उनको मास्टर ट्रेनर बनाना था, लेकिन वो गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया, हम ये काम कर नहीं सके। तो उसके बाद ये है कि हम ट्रेनिंग देते रहे हैं, जो आप देखें ना पाकिस्तान जो फैल रही है, वो मेरे स्टूडेंट जो आगे फैला रहे हैं, तो आगे फिर इसको हमने ये किया। फिर हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया है, जो इस वक्त चूंकि मैं यूनिवर्सिटी से रिटायर हो चुका हूँ, तो मैं प्राइवेट लेवल पर शुरू कर रहा हूँ, तो मेरा बेटा जो है ना उजैर, उसका नाम लोग जानते हैं, तो वो आगे उसने वीडियो चैनल शुरू किया है, वो आसिफ मसूम के नाम से था, अब हमने उसका नाम चेंज करके यूए मशहूर रख दिया है। तो ये हम किसकी कुछ वजूहत के वजह से हमने स्टॉप किया हुआ था, अब इसको दोबारा शुरू कर रहे हैं वीडियो चैनल का। तो ये आप उसमें आप यूए मशहूम के नाम से ना इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगर फ्यूचर का जो हमारा जो है प्रोग्राम वो है कि बटर मशरूम के ऊपर सर्च कंटिन्यू रखी जाए, और चाइनीज नेम वैरायटीज जो हैं उनको एस्टेब्लिश किए जाए, उनके ऊपर रिसर्च कंटिन्यू रखी जाए, मिल्की मशरूम और चाइनीज मशरूम पर जो ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती हैं। फिर हमारा प्रोग्राम जो है कि शिटाके मशरूम पर ना पहाड़ी इलाकों में ना उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा है, और ड्राई फार्म में इसकी मार्केट होती है, उसको भी कल्टिवेट किया जाए, ये पहाड़ी इलाकों में हो सकती है, हमें फैसिलिटीज मिल जाए पहाड़ी इलाकों में जाने की, तो हम लोगों को ये करवा सकते हैं। फिर हमने मेडिसिनल मशरूम की तरफ आ रहे हैं, इसमें गैनोडर्मा है, इसके अलावा लाइन मेन मशरूम है, कॉर्डिसेप है, इन पर हमने सर्च का प्लान है हमारा गलने करने का। तो ज़ाहिर हमारे मेरे साथ शामिल है इसके लिए, मेरे कुछ स्टूडेंट शामिल है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ज़ाहिर की हमने जो अब शादी कर दी है, तो उसके जो वाइफ है ना वो एक्सपर्ट है मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर, तो वो हमारी हेल्प इंशाल्लाह ताला करेगी इसके ऊपर। तो ये सारा इस ये बहुत ज़्यादा इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं जो मेडिसिनल मशरूम पर हम काम करें। तो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ये है कि मशरूम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इसके यही है कि इस मशरूम इंडस्ट्री को मजबूत किया जाए। तो यूनिवर्सिटी जो है हमारा बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी के लिए बॉडी इस्टेब्लिश की थी, अब मेरी जगह पर मेरे ही एक स्टूडेंट है जिन्होंने चाइना से पीएचडी की है, डॉक्टर मुजम्मल जहांगीर, वो इस पर काम कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो इन एस्पेक्ट पर आप ले सकते हैं, स्पेशलिस्ट फाइनेंशियल एडवाइस अगर चाहिए तो उसके लिए हम प्रपोजल बना के देते हैं, बिल्डिंग और मशरूम हाउस बनाने के लिए एडवाइस देते हैं हम, क्रॉप एडवाइस देते हैं हम, विजिट करते हैं लोग, जैसे मैंने मार्का मशरूम एस्टेब्लिश किया था उनके फार्म में स्टेबल है, वहाँ पर वहीं जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी और वहीं जहाँ पर विजिट किए, फिर टेलीफोन पर भी हम रिकमेंडेशन देते हैं मुख्तलिफ मशरूम के, फिर पेस्ट और डिजीज प्रॉब्लम पर देते हैं। तो मेरे साथ ना काफ़ी लोगों का कोलेबरेशन है, काफ़ी लोग जैसे एक डॉक्टर हुसैन बाबर है, तो वो उसने पीएचडी की है इंसेक्ट्स और पेस्ट पर, इसने वो मेरे साथ कोलैबोरेशन है, इसलिए प्रिजर्वेशन पर डॉक्टर सरफराज हैं जो सरगोधा में है, फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन, तो वो उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। मशरूम प्रोडक्ट्स पर डॉक्टर शाहिद है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, डॉक्टर आसम नीज है उनके साथ मेरी कोलैबोरेशन है। तो ये तमाम साइंटिस्ट मेरे साथ इन्वॉल्व है रिसर्च में, तो हम इनकी मदद से हम इसको और ज़्यादा आपको ना फैला सकते हैं। तो अगर हमारी ये कॉन्टेक्ट डिटेल है कि मेरा और फिलहाल उजैर का नाम है इसमें, तो इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये नीचे टेलीफोन नंबर दिए हुए दो, ये मेरे दो नंबर है टेलीफोन के, 0300 और 760-88-8823। दूसरा नंबर मेरा ये जोंग का है 0311-060-8823। नीचे जो नंबर है वो उजैर का है, तो वो 0300-657-338 जो उजैर का नंबर है, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ईमेल भी नीचे दी हुई है mushroomuf@gmail.com, तो ये आप कर सकते हैं। तो आपको शुक्रिया, अब थोड़ी देर के बाद ना हम
डॉक्टर साहब भी अभी स्टार्ट थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह। हेलो डॉक्टर साहब, ये अभी चल चल ठीक क्वेश्चन कर सकते हैं ना? मैं ठीक है कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सेशन था, इसमें डॉक्टर साहब के साथ कुछ इसमें प्रॉब्लम भी आई, तो ये है कि इसमें आपको मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, तो वन बाय वन डॉक्टर साहब से जो क्वेश्चन पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ थोड़ा करवा के ना, जो क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब उसका तफसीली जवाब देंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं शाहिद बात कर रहा हूँ डेहरकी से। सर मैंने एक ट्रायल सेशन किया था डेहरकी से, डेहरकी सिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सिंह से, तो ठीक है मैंने सेशन किया अपना ये वीडियो वगैरह देख के, तो मैंने 25 पैक लगाए थे एक एक किलो वाले, तो उसको माशाल्लाह शुरू तो हो गया। अच्छा ठीक है, ऑयस्टर मशरूम तो शुरू तो हो गया था, लेकिन शुरू में मैंने 5-7 किलो लिए भी उसे, उसके बाद उसमें ये मसला हो रहा है कि वो थोड़ा बढ़ के सूख जाते हैं, ये सूखने की क्या बीमारी है? नहीं बीमारी मूली बीमारी नहीं है। आपने कब किया था, क्योंकि सीजन में किया था ये काम? सर ये अभी एंड हो रहा है, मैंने किया था सितंबर में शुरू किया था, सितंबर में शुरू किया था ना, तो सितंबर अक्टूबर में शुरू किया था, तो वहाँ टेम्परेचर सितंबर अक्टूबर में हाई होता है, ठीक है ना, उसको ना ह्यूमिडिटी ज्यादा रखनी पड़ती है। ह्यूमिडिटी मैंने रखी सर, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर लगा मेरे पास, मैंने 80-90 रखी हुई है, 80-90 रखी हुई है, उसमें सिर्फ इसीलिए है तो कोई हाई टेम्परेचर होगा, बेशक 90 में रखी है ना ह्यूमिडिटी, लेकिन चूंकि हाई टेम्परेचर बाहर हाई टेम्परेचर है ना, अगर आप लो टेम्परेचर पर करेंगे ना ऑयस्टर मशरूम वो नहीं खुश्क होगी। अच्छा हेलो, वो जल्दी खुश्क हो जाती है। हाँ हाँ, टेम्परेचर की वजह से उसको मैनेज करना पड़ता है, सीजन के मुताबिक उसको मैनेज करें तो उससे वो हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। जो दूसरी चीज ये होती है कि आप मशरूम करें ना, उसमें थोड़ा सा आपका तजर्बा भी होता है, आप देखते हैं कि मेरे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आप इस तरीके से मैनेज करें तो वो फिर ना आपके ना पानी आपको थोड़ा सा ना मशरूम को ज्यादा देना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा ज्यादा, ताकि ना वो ना तो वो बेड वगैरह खुश्क हो जाते हैं ना गर्मी की वजह से, तो उसके वजह से भी मशरूम ड्राई हो जाती है, क्योंकि मशरूम में ना मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, 90% मॉइस्चर होता है, तो उसके वजह से जब एवेपोरेट हो जाते हैं वो फिर खुश्क हो जाते हैं। दूसरा मैं एक सवाल वीट स्ट्रा की जगह और क्या यूज कर सकते हैं वीट स्ट्रा की जगह? हाँ 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 ठीक है, ये आपका ना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके मतलब मैं डिस्कस करना भी भूल गया। वीस्ट्रा जो है ना, एक वीस्ट्रा की वजह से प्रॉब्लम बार दफा आ जाती है गर्मियों में, अगर हाई टेम्परेचर पर करेंगे ना तो वीस्ट्रा जल्दी खुश्क हो जाता है, है? अच्छा, तो जिसकी वजह से ना मशरूम भी खुश्क होना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से ना हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एरिया था ना, वहां पर एक कॉटनस मिलती है, अपनी जबान में लोकल जबान में उसको कहते हैं दाना, मशरूम कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होती है, वो नहीं खुश्क होती, वो आपको प्रॉब्लम ये साल हो सकती है, वो इस्तेमाल करें। ये कोरियन जो है ना, कोरियन पाकिस्तान से इम्पोर्ट करके ना काटन बेस, इस पर वो काटन बेस पर ग्रो करते हैं, इसमें प्रोडक्शन भी ज्यादा आती है, मशरूम भी की प्रॉब्लम में नहीं आती, क्या खुश्क हो जाती है, ये सेलुलोज़ की मटेरियल है जो पानी जो मॉइस्चर को रिटेन करती है अपने अंदर, ये सब अपना ये निकलती है टेक्सटाइल से। हाँ टेक्सटाइल से निकलती है, जीनरी फैक्ट्री वहां से भी निकलती है, आपको मिल सकती है, तो आपको ना मैं कभी मेरे साथ दिया हूँ कॉन्टेक्ट कर लेंगे, आपको ना ड्रेसेस का भेज दूंगा, वो आर्मी का जो सप्लाई करता है वो बता देगा कि किस इलाके में कहाँ कहाँ से मिल सकती है, ठीक है ना? बड़ी नमस्कार है, डॉक्टर है डॉक्टर आसिफ अली, पोटाशियम का बता रहे हैं। इसमें आपको किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसमें एक ऑप्शन है रेज हैंड, आप उस पर क्लिक कर दें तो सबको अगर एक साथ अनम्यूट कर दें तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है इसमें, आपको किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बेहतर ये है कि रेज हैंड कर दें, उसको हम अनम्यूट कर देते हैं, वो एक एक वक्त में एक क्वेश्चन पूछना है तो बेहतर रहेगा। जी समझ साहब, आप क्या क्वेश्चन है पूछें आप डॉक्टर साहब से? अस्सलाम वालेकुम सर।
سر مجھے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ کراچی سے میں بات کر رہا ہوں, کراچی کے لیے سب سے زیادہ فیزیبل کون سا ہے, بٹن مشروم گرو کریں ہم کمرشل لیول کے لیے یا اوئسٹر مشروم گرو کریں, آپ کے مطابق کیا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ میں کراچی کے انوائرمنٹ جو ہے نا, کراچی میں انوائرمنٹ اس طرح کی ہے کہ بہت زیادہ لو ٹیمپریچر نہیں جاتا, بہت زیادہ ہائی بھی نہیں جاتا, تو 30-32-33 ٹیمپریچر کے راؤنڈ ورڈ نا جو ٹیمپریچر رہتا ہے. اگر آپ اس میں آئسٹر مشروم کے تھوڑے سے نا انیشیل سٹیجز پر نا پرابلم آپ کو کراچی میں آئے گی بلکہ باقی علاقوں میں بھی آئے گی, وہ یہ ہے کہ اس کی مارکیٹنگ پرابلم آتی ہے, کیونکہ لوگ زیادہ نا ہوٹلس میں جاتے ہیں مارکیٹ پوچھنے کے لیے, پزا ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں یا چائنیز ریسٹورینٹ جاتے ہیں, لیکن چائنیز ریسٹورینٹ پزا ریسٹورینٹ اور دوسرے ریسٹورینٹ جو ہے نا وہ آئسٹر نہیں استعمال کر سکتے, اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ آئسٹر مشروم کی مارکیٹ نہیں ہے, لیکن ہم چونکہ کر لیتے تھے, اگر آپ اس کا پراپر ایڈورٹائزمنٹ کرتے کہ تو اس کی نیوٹریشن ویلیو آئسٹر مشروم کی بہت زیادہ ہے, اس کی نیوٹریشن ویلیو یہ ہے, ایک تو یہ ڈرائی ہو سکتی ہے, ڈرائی ہو کے نا خراب نہیں ہوتی, آپ اس کو دوبارہ پانی میں سوک کریں نیم گرم پانی میں تو دوبارہ جو فریش کی طرح شکل اختیار کر لے گی. دوسری اس میں یہ ہے کہ اس میں ڈشیز اس طرح کی بنائیں جیسے جو پکوڑے جو ہے نا بیسن میں ڈپ کر کے بنائیں تو وہ بڑی زبردست مچھلی کی طرح اس کا ٹیسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. آسٹر مشروم میں ایک اور کوالٹی ہے کہ اس میں نا لوور سٹیٹن ہوتا ہے جو کولیسٹرول کو کم کرتا ہے, جب لوور اس کو استعمال کیا جائے تو آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہو جاتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ اس کے شوگر کی بیماریوں کو, شوگر جو جن لوگوں کو تو ان کو بھی یہ کنٹرول کرتی ہے. اس کے ڈرائی مشروم کو اگر ویسے بھی پاؤڈر آپ لے لیے کرے, تھوڑا سا پاؤڈر آپ ڈش میں ڈال لیے کرے تو آپ کا یہ کیور کرے گی. یہ عام آدمی کو پراپر اگر ایڈورٹائزمنٹ کریں, کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو آ جاتا ہے کہ ہم مشروم کلٹیویشن کے لیے ہم سے ہیلپ لیں, لیکن کبھی کسی نے آج تک ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی کہ ہمارے پاس مشروم اویلیبل ہے, کیونکہ ان کے پاس اتنی کوانٹٹی میں اویلیبل ہوتی نہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ کر سکے, اس لیے مارکیٹ بھی نہیں ہوتی. تو مارکیٹنگ بہت ضروری ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے. جی عام لوگ کھائیں گے آسٹر مشروم کو, یہ ہوٹلز میں نہیں بکے گی جا کے, کیونکہ ہوٹلز میں جا کے نا وہ بٹن اور شٹاکی مشروم جو ہے نا وہی استعمال کریں گے. دوسری چیز جو آپ نے ایک اور چیز ہے کہ کراچی کے انوائرمنٹ میں اگر آئسٹر کا جو ہائی ٹیمپریچر میں آئسٹر کا اسٹین استعمال کی جائے سیپیڈس اور بٹر مشروم کی ہائی ٹیمپریچر ورائٹی جو 25-30 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہو سکتی ہیں, تو روم ٹیمپریچر جو پنجاب کا ہے نا وہ 38 سے اوپر نہیں جاتا, وہ ایزیلی مینیج ہو جاتا ہے 28-30 ٹیمپریچر پر نا, تھوڑی سی نیچرل طریقے سے بھی مینیج ہو سکتا ہے, اس کے طریقے ہیں تو اس میں سے کنیکٹ کرنے میں آپ کو بتا دوں گا اس کو نیچرل طریقے سے کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. تو ہماری ہائی ٹیمپریچر ورائٹی استعمال کریں کراچی میں تو بٹر مشروم آپ کے وہاں پر گرو ہو سکتی ہے, باقی اگر جن کے پاس پیسہ ہو تو وہ تو کنٹرول انوائرمنٹ بھی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں جی 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 تھینک یو سو مچ سر. ٹھیک ہے جی, اینی ادر کچھ اور کسی اور کوئی کوئسچن ہو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اویلیبل ہیں. باقی یہ اصل منظور صاحب کے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے تعاون سے ہم نے یہ شروع کیا ہے پروگرام, تو فرسٹ ٹائم ہے کیونکہ آج حالات بھی اس طرح سے خراب ہے, میرا جانا آنا جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے, تو آن لائن اس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کنٹینیو رکھیں گے پروگرام. شاہد صاحب کچھ کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی شاہد صاحب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, پوچھیے گا. ہاں سر میں پوچھنا تھا کہ آپ لوگ اسپون سپلائی کرتے ہیں سر؟ ہاں کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. اگر ہم تیار کر کے دینا اگر ہم سے لانا لیے تو یہ خراب ہو جاتا ہے, اس کو اسٹور رکھنا پڑتا ہے لو ٹیمپریچر پر, ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ اسٹور کر سکے, اس لیے کہ اگر بٹر مشروم کا اسپان چاہیے تو 4-6 ہفتے پہلے آپ کو آرڈر دینا پڑے گا, اور آئسٹر کا اسپان جو ہے نا وہ آپ 2-3 ہفتے پہلے آرڈر دینا پڑے گا, تو وہ آپ جتنا مرضی آپ اسپان ہمیں آرڈر دے تو آپ کو ٹائم پر پھر آپ کو اسپان مل جائے گا. اسٹارٹ میں کوئی تھوڑی سی پرابلم آتی ہے لیکن ریگولر جب آپ کا سیٹ ہو جاتا ہے کام تو آپ کو ریگولر جب بھی آپ کو اسپان چاہیے تو آپ کو مل جائے کرے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر,
باقی آپ میں سے کسی نے کوئی اسپان کی آرگنائزیشن کوئی جو کمپنی بنانا چاہتا ہے تو اس میں بھی ہم تعاون کریں گے بنانے میں, تو لوکل اپنا اسپان بھی خود بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ وعلیکم السلام. ہاں جی ہاں جی, آپ کا نام کیا ہے جی؟ ہیلو ہیلو. ہاں جی, آپ کی آواز تو آ رہی ہے مجھے. آپ اپنا تعارف پہلے کرا دیا کریں تو اس کے بعد میں آپ کو جواب دیا کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ہیلو سر, میں کوئٹہ سے ہوں. اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کوئٹہ کی جو ہے نا آپ کا, مجھے پہلا مجھے بڑا شوق ہے کہ کوئٹہ میں کیا جائے, کہ کوئٹہ میں زیادہ آپ کا سوٹ کر سکتا ہے کلائمیٹ. جی آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ کوئٹہ کی وجہ سے یہ پاکستان میں پروجیکٹ جو ہے بنا تھا. ڈاکٹر غوث بخش ریسانی تھے, آپ نام جانتے ہوں گے. اصل میں ریسانی کے والد جو اس وقت نا بھٹو کے دور میں نا ایگریکلچر منسٹر تھے, انہوں نے فرانس میں اس کی کلٹیویشن دیکھی جو کیوز میں غاروں میں کر رہے تھے. کوئٹہ میں بھی غار بہت ہیں تو آسانی سے ہو سکتی ہے بلوچستان میں نا, تو کوئٹہ کا انوائرمنٹ جو ہے نا بڑی سوٹ کر سکتی ہے اگر آپ اچھے طریقے سے کریں. چھوٹے معنی پر نہ کریں, بڑے معنی پر کریں, میں آپ کے ساتھ کروا دوں گا. بلکہ آپ مجھے انوائٹ کریں تو وہاں پر ہم گائیڈ بھی کریں گے آپ کو سارا کچھ نا. ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب, رفعت اقبال آپ سے کوئسچن کرنا چاہیں گی. ٹھیک ہے جی, آپ کا کیا کوئسچن ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, پوچھیں. سر میں ملتان سے ہوں, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ادھر ملتان میں بھی کوئی ہے ایڈوائزری کمیٹی آپ کی, یعنی جس سے کانٹیکٹ کیا جائے؟ میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں ایم فل کی اور اسی پہ میرا پروجیکٹ چل رہا ہے. اچھا, کسی پہ اسٹوڈنٹ کس جگہ پہ ہیں؟ ملتان میں زرعی یونیورسٹی, نواز شریف یونیورسٹی آف ملتان. آپ نواز شریف میں ہیں نا, تو آپ ایسا کریں یہ آپ کا جو ایگریکلچر کالج ہے نا ملتان میں ہے, ایگریکلچر کالج بہادر یونیورسٹی کے اندر, وہاں پر ایک میرے اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے مجھ سے پی ایچ ڈی کی تھی, ڈاکٹر حسن سردار. ڈاکٹر حسن سردار کا نام جاؤ تو میرا نام لے, وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے, وہ کافی ایکسپرٹ ہے. ڈاکٹر حسن سردار کا نام ہے, وہ ایگریکلچر کالج میں پروفیسر. ہاں جی, وہ پی ایچ ڈی انہوں نے سپر کیا, مجھ سے میری سپرویژن میں کیا انہوں نے. یونیورسٹی جو ہے نا آپ کی نواز شریف, اس میں نا نظر فرید میرے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ کچھ میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, ان سے بھی آپ مل رہے ہیں, وہ بھی آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. پروفیسر ہیں ہارٹیکلچر کے, نظر فرید. ہاں جی جی, عائشہ کرن کوسچن کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے. السلام علیکم سر. السلام سر, میں عائشہ کرن بات کر رہی ہوں. اینڈ سر ابھی آپ نے جو ہے وہ اپنا تعارف میں کراتی چلوں کہ میرا جو بیچلرز ہے وہ ایگریکلچر بزنس مینجمنٹ میں ہے, اور میرا جو ایم بی اے سپلائی چین مینجمنٹ میں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آن بورڈ 3 ایئر سے ڈائبٹیز کاؤنسلنگ کی ورکنگ کر رہی ہوں. ابھی آپ نے اس میں مینشن کیا تھا کہ جی مشروم جو ہے وہ ڈائبٹیز کے لیے یوز ہو رہا ہے, تو آئی وانٹ ٹو سے کہ اگر آپ لوگوں کو اس حوالے سے کوئی ایڈورٹائزمنٹ سروسز چاہیے ہوں تو آئی ایم ریڈی ٹو ڈو دس, بیکاز آئی ایم آلریڈی ڈائبٹک ڈائٹ کاؤنسلر اینڈ آئی کین ہیلپ اٹ ٹو ایڈورٹائز اٹ. چلے صحیح ہے, میں ہم دیکھتے ہیں لوگ کرتے ہیں. میں نا اصل میں خود اس پر کام کرنا شروع کر رہا تھا اس پر, لیکن میرے پاس ابھی اتنی زیادہ فیسلٹی نہیں تھی گرو کرنے کی, کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں سارا کام نا یونیورسٹی میں کرتا رہا ہوں. تو اس میں ہمارے جو ہمارے ڈاکٹر یونس صاحب ہیں ادھر کارڈیالوجسٹ ہیں, تو وہ میڈیسن اس کی بنا کے نا لوگوں کو دیتے ہیں, آسٹر مشروم کی نا پاؤڈر وغیرہ بنا کے کیپسول میں دیکھ کے نا اس کو کرتے ہیں. تو آپ کو جو بھی کرنا چاہے, تو جب ایک تو مشروم پر ضرور ہو جاتی ہے, دوسرا جو ہے نا جو بھی کرنا چاہے گا تو ہم اس کو گائیڈ کریں گے. بلکہ میرا بیٹا جو زہر ہے اس کے وائف بھی ان چیزوں میں ایکسپرٹ رہتا ہے, اس کے بھی ہم ہیلپ لے لیں گے سارا کچھ. تو آپ کے ساتھ ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہے تو آپ ریفر کر دیں گے ان کو نا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. اوکے جی,
जी समद, आप क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से, क्वेश्चन कीजिएगा अपना। जी सर, सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने बताया कि आप स्पॉन भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम अगर आपसे स्पॉन परचेज करते हैं तो वो जो स्पॉन है जितना भी ग्राम या केजी का है वो कितनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हमें दे सकता है और मिनिमम कितनी प्रोडक्टिविटी दे सकता है बटन मशरूम के स्पॉन की मैं बात कर रहा हूँ। देखे ना, ये आपका सवाल जो है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसलिए आज इम्पोर्टेंट है कि स्पॉन के अलावा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और आपकी ये कल्टीवेशन फैसिलिटी ने वो प्रोडक्शन में वो भी डिपेंड करती है। वो फर्स्ट टाइम करेंगे तो पता है, स्पॉन तो ठीक है, अगर आपको ट्रेनिंग अच्छे तरीके से नहीं आ रही, अच्छे तरीके से कल्टीवेशन नहीं किया, तो स्पॉन किसी और वजह से आपकी ग्रोथ नहीं कर रही, तो आप अक्सर मेरे पास ये होता है कि फर्स्ट टाइम जो करते हैं ना, जब उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, वो पता है कि उनके पास एक ही सवाल होता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपका स्पॉन सही नहीं था, हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आए। ये मार्गला मशरूम फार्म है ना, 7.5 साल में उन्होंने ट्रायल किए थे, जो अब सबसे बड़ा बन गया है। तो पहले अस्सलामुअलैकुम, गुलजार अहमद बोदला, मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जी हम बताए, ठीक है मैं सुन रहा हूँ। हेलो, क्या हो गया आपको, बॉल बंद हो जाती है, चार्ज करो। हाँ हेलो, क्या था ना, मैंने हेलो किसी जी गुलजार अहमद बोदला बात कर रहा हूँ, कसूर से सुन रहा हूँ। जी गुलजार अहमद बोदला बात कर रहा हूँ कसूर से। मेरा क्वेश्चन ये, जी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक ओपन में भी करवाया जाता था, एक फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सुल्तान अहमद खान साहब थे, वो करवाते थे, तो उसने जो है वो उन्होंने बताया था कि ये मैदानी इलाकों में पंजाब के और बिल्कुल आप आम से तरीके से कर सकते हैं, तो क्या इस तरह ये इनका भी पॉसिबल है या कि इनको एनवायरमेंट देके और ये सारा करके ही होगा? नहीं, और जो सुल्तान साहब है ना, वो उनके साथ मैं काम करता रहा हूँ, वो मेरे टीचर भी रहे हैं, शुरू में उन्होंने मुझे काफी गाइड किया था। तो मेरी असल में MSc जो थी ना वो चाइनीज मशरूम पर थी। चाइनीज मशरूम ओपन में की जा सकती है दरख्तों के नीचे ना, तो उसका कल्चर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है। अगर इसका मदर कल्चर बाहर से मंगवा लिया जाए तो आप कर सकते हो, आसान भी है कल्टीवेशन करनी, वो ओपन में हो सकती है, उसमें हमारे पास था आप नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे बाहर से मंगवाने की ना, तो वो आप ओपन में कर सकते हैं, गर्मियों में कर सकते हैं, ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं, दरख्तों के नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना, बेड बना के। तो सर अगर 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 ये ऐसा ही है तो ये जो आप बता रहे हैं या बटन है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये जो मैं बिल्कुल ही अपना फर्स्ट में हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसके कोई एनवायरमेंट और ये इसके बारे में काइंडली थोड़ा सा हो सके, या मुझे अपना नंबर दे दिया जाए तो मैं इसका जो नंबर जो है ना, मैंने पहले भी आपको दिया था, बताया था, वो दोबारा आप सुन ले, 03007608823। तो दूसरा, आप अगर हेल्प मुझसे लेना चाहते हैं तो असद मंजूर साहब के थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनको बता दें तो वो आपको मेरा सारी कॉन्टेक्ट डिटेल आपको बता देंगे। इधर बड़ा सिग्नल का बहुत सर, इस सिग्नल का बड़ा इशू है, नंबर जरा प्लीज रिपीट कर दें, मैं आपको माजरत के साथ आपको दे रहा हूं। आज जो कि हम फर्स्ट टाइम ये हमने शुरू किया ना प्रोग्राम, इसमें कोई प्रॉब्लम मैंने भी देखा आ रही है, तो आइंदा से इंशाल्लाह ताला इसको हम ना ठीक करेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिपीट कर दे प्लीज, मैं कर रहा हूँ, जीरो आप लिखे जरा, मैं दोबारा में आप बोलता हूँ, 03000 03000 लिखे, जीरो
अच्छा मेरा ना मेरा जो व्हाट्सएप नंबर भी यही है, तो इसी पर आप व्हाट्सएप भी आपको लिटरेचर यही है आप मेरा मैं आपको लिटरेचर भी सेंड कर सकता हूँ, इसमें सारा कुछ दे सकता हूँ। ठीक है जी, मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया मैं सब। ठीक है जी। बस मैंने आपको कहा था कि हेलो सर साहब, मेरी बात सुन रहे हैं आप?